कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को नागोरी गार्डन स्थित एक ऑफिस से 5 बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने आज 4 आरोपियों को बापर्दा व 1 आरोपी को बेपर्दा गिरफ्तार कर लूट की राशि बरामद करते हुए लूट में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया। सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनेश पिता गोमाराम प्रजापति निवासी मंडवाड़ा जिला सिरोही ने मामला दर्ज करवाया था कि वह नागोरी गार्डन स्थित रमेश कुमार शंकर लाल के ऑफिस पर कार्य करता है। सोमवार को दोपहर करीब 3 से 4 बजे जब ऑफिस में बैठा था तभी 5 लोग मुंह पर मास्क बांधकर वहां आए और स्वयं को इनकम टैक्स वाला बताकर थप्पड़ मारकर टेबल की दराज में रखे हुए 20 लाख रुपए बैग में वह 3 मोबाइल भी थैले में डालकर दिनेश को बाथरूम में बंद कर 4 लोग रुपए से भरा बैग और मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं एक आरोपी को भीड़ ने मौके पर पकड़कर धुनाई के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वहीं वारदात के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन करते हुए जिले में नाकाबंदी करवाई। इस दौरान रायला थाना क्षेत्र में एक ब्रेजा कार को रुकवाकर लूट के 4 संदिग्धों को डिटेन किया गया। आरोपियों से कोतवाली में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने लूट की वारदात को कबूल लिया। कल दिनांक 9/1/23 को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागोरी गार्डन एरिया में शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास 5 लोगों के द्वारा एक कुरियर कंपनी में जाकर लूट की वारदात की गई और लूट में करीब 20 लाख रुपए की राशि को लूट करके ले जाना परिवादी के द्वारा बताया गया। इस पर सूचना पे तुरंत ही पूरे शहर में और पूरे भीलवाड़ा शहर के साथ में स्टेट लेवल पे नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान रायला थाना क्षेत्र में बताए गए हुलिये के आदमी और उनकी गाड़ी है उनको डिटेन किया गया और उनको पूछताछ किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया, वारदात करना उनके द्वारा स्वीकार किया गया। बाद में गहन तफ्तीश